चलिए दोस्तों आगे बढ़कर ये देख लेते हैं कि किन परिस्थितियों में आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द की जा सकती है। दो प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हैं, या तो आप यानी कि कर भरने वाले व्यवसाय अपने ही बलबूते पे ये तय कर सकते हो कि आपको ही रद्द करवाना है आपका रजिस्ट्रेशन, या ये भी हो सकता है कि जीएसटी के किसी अफसर का ये फैसला होता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए। यदि आपको यानी कि कारोबारी होने के नाते किसी भी बिजनेस या किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन रद्द करना है तो वो आप कर सकते हैं जीएसटी आरईजी 14 फॉर्म के जरिए। यदि कैंसिलेशन प्रक्रिया जीएसटी की तरफ से हुई है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के पहले आपको एक चेतावनी दी जाएगी, आपको एक शो कॉज यानी कि कारण बताओ नोटिस इशू किया जाएगा और ये होगा जीएसटी आरईजी 15 के तहत। दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द होगा ही क्यों। ऐसे तीन सामान्य कारण हैं जिसके वजह से आप या जीएसटी का अफसर कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और ऐसे पांच ऐसे विशेष कारण हैं जिसके लिए जीएसटी अफसर आपकी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन सभी कारणों को। कैंसिलेशन का एक सामान्य कारण ये है कि अभी वो कारोबार बंद ही हो गया है। अभी ये समझ लीजिए कि वो कारोबार या वो बिजनेस अभी नहीं चल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि यदि ये सोल प्रोप्राइटरशिप थी तो जो सोल प्रोप्राइटर थे उनका निधन हो गया है, यदि ये कंपनी थी तो उस कंपनी को बेच दिया गया है, या वो और किसी के कंपनी के साथ मिलजुल गई है। इन सारे परिस्थितियों में कैंसिलेशन की प्रक्रिया का लाभ उठाया जा सकता है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, यदि ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप थी और उस सोल प्रोप्राइटर का निधन हुआ है तो इस कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को उनके वारिस यानी कि उनके जो लीगल एयर है वो भी इस कैंसिलेशन प्रक्रिया को इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कारोबार के कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ बदलाव आया हो, यानी कि बहुत कुछ गहरा बदलाव आया हो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में, तो अभी ये रजिस्ट्रेशन रेलेवेंट नहीं है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी जब हम कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बातें कर रहे थे। ये था दूसरा रीजन। एक और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अभी कारोबार लायबल नहीं रहा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अभी कारोबार ये निर्णय ले सकते हैं कि उनको कैंसिलेशन रद्द करना है। दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, आपको याद होगा कि ऐसे भी कुछ कारोबार होंगे जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्णय लेते हैं, यानी कि वो अपने ही बलबूते पे ये तय करते हैं कि उन्हें जीएसटी प्रक्रिया में शामिल होना है। ऐसे कारोबार कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में नहीं आ सकते, क्योंकि इस कारणवश आप तभी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हो जब पहले आप लायबल थे, यानी पहले आप मजबूर थे, आपके पास और कोई पर्याय नहीं था जीएसटी में शामिल होने के अलावा, और अभी उस स्थिति में बदलाव आया है और अभी आप लायबल नहीं हो। यदि आपका रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन था तो पहले भी आपके ऊपर कोई बंधन नहीं था, आपने अपने ही बलबूते के तय किया था कि आपको शामिल होना है, तो अभी आप उस फैसले को इस कारण से नहीं बदल सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये वो तीन कारण थे जिसके वजह से आप या अफसर आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल या रद्द करने की प्रक्रिया को चालू कर सकते थे। इसके अलावा और पांच विशेष कारण हैं, इन्हें पनिशमेंट क्लॉज कहा जा सकता है, कि आपने कुछ गलत किया है और इसीलिए अब आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द की दी जा रही है। आइए नजर डालते हैं इन पांच विशेष कारणों पर। सबसे पहला विशेष कारण, आपने जीएसटी के किसी तो नियम का उल्लंघन किया है और इसीलिए आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। दूसरा कारण, आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल होने का निर्णय लिया है लेकिन ये निर्णय लेने के बाद आपने लगातार तीन टैक्स पीरियड्स, लगातार यानी कंजेक्यूटिव तीन टैक्स पीरियड्स के लिए रिटर्न दर्ज नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में भी पनिशमेंट के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। ठीक उसी तरह यदि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल नहीं हुए लेकिन आपने सामान्य जीएसटी में शामिल होने का निर्णय लिया है और उसके बाद आपने लगातार 6 महीनों के लिए
कोई रिटर्न्स दर्ज नहीं किए हैं। दोस्तों यहाँ ये ध्यान में रखिए कि कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत आपको केवल भरने पड़ते हैं क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में एक बार टैक्स पीरियड्स। कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर मतलब सामान्य जीएसटी में आपको हर महीने टैक्स रिटर्न्स भरने पड़ते हैं। तो यदि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में 3 कंजेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स में रिटर्न्स नहीं भरे तो उसका मतलब है कि अवधि हो गई 9 महीने। यदि कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर आपने रिटर्न्स नहीं भरे तो वो हो गई अवधि 6 महीने। कैंसिलेशन रद्द होने का चौथा कारण ये हो सकता है कि आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था ये कहते हुए कि आप कारोबार का आरंभ करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपने कारोबार का आरंभ किया ही नहीं और 6 महीने ऐसे ही बीत गए। इस स्थिति में आपकी रजिस्ट्रेशन रद्द की जा सकती है। पांचवा कारण, यदि आपने जो रजिस्ट्रेशन की थी वही की थी आपने कुछ धोखेबाजी के साथ यानी कुछ झूठ बोल के या कुछ फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट के द्वारा, तो फिर जाहिर सी बात है कि वही कैंसिलेशन अब कोई मायने नहीं रखता और वो कैंसिलेशन अब रद्द करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे 5 सामान्यतः कारण जिसमें दंड के रूप में आपका कैंसिलेशन रद्द कर दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों जल्दी से कुछ समय सीमाओं के बारे में बात करें। आपको याद होगा कि यदि आप यानी कि टैक्स पेयर को जीएसटी रद्द करने के लिए अप्लाई करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जीएसटी आरईजी 14। यदि ऑफिसर ने इस कैंसिलेशन प्रक्रिया की शुरुआत की है तो वो आपको एक शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, वो होगी जीएसटी आरईजी 15 के तहत। अब आ जाइए समय सीमाओं पर। यदि आप अप्लाई करते हैं जीएसटी आरईजी 14 के तहत तो आपको 30 दिनों के अंदर एक जवाब मिल जाएगा। 30 दिनों के अंदर अंदर आपकी अर्जी किसी जीएसटी अफसर के पास पहुंच जाएगी और वो उसका निरीक्षण करेंगे। अब 2 नतीजे हो सकते हैं। यदि वो आपकी अर्जी को मंजूर करते हैं तो उसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और ये होगा जीएसटी आरईजी 16 के साथ। यदि आपको 30 दिनों के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं मिला तो उसका मतलब है कि जीएसटी अफसर को ये नहीं लगता कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और आपका रजिस्ट्रेशन बनाए रहेगा। अब आते हैं उस परिस्थिति में जहां पे रद्द करने की प्रक्रिया चालू की है जीएसटी के अफसरों ने। यहां पर वे आपको एक शो कॉज नोटिस भेजेंगे। आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसका जवाब देना ही पड़ेगा, उसको जानकारी देनी ही पड़ेगी जीएसटी के अथॉरिटीज को। उसके बाद और 30 वर्किंग डेज के अंदर यदि जीएसटी के अफसर आपके जवाब के साथ संतुष्ट नहीं है तो वो एक ऑर्डर जारी करेंगे जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। यदि वे आपके जवाब से संतुष्ट है तो फिर कुछ नहीं होगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बनाए रहेगा। तो अभी हमने और कुछ फॉर्म्स देख लिए हैं तो उनके भी नाम लिख लेते हैं। अभी हमने देखा है जीएसटी आरईजी 14 जिसके जरिए आप टैक्स पेयर होने के नाते कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जीएसटी आरईजी 15 जो कि एक शो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन है, और उसके बाद आता है जीएसटी आरईजी 16 जो कि ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है। और हाँ दोस्तों एक और बात, जैसे अमेंडमेंट की प्रक्रिया में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के तहत जो जानकारी थी वो तालमेल में रहती थी, उसी तरह कैंसिलेशन भी यदि आपने सीजीएसटी एक्ट के तहत कर लिया तो एसजीएसटी एक्ट के तहत भी ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाता है, और ठीक उसी तरह यदि आपने एसजीएसटी एक्ट के तहत कैंसिलेशन कर लिया तो फिर ऑटोमेटिकली आपका सीजीएसटी कैंसिलेशन भी हो जाता है। तो दोनों में एक साथ सब कुछ होता है, ऐसे नहीं है कि आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं में शामिल होना पड़ेगा। यदि आप जीएसटी के आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हो तो उनके क्या परिणाम है आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहला और बड़ा परिणाम ये है कि आपके पास जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको लौटाना पड़ेगा सरकार की ओर, वो आपको रीपे करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो भी आपको निभाना पड़ेगा, वो भी आपको पे करना पड़ेगा सरकार को। और तीसरी बात है कि आपको एक फाइनल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, वो आपके डे ऑफ कैंसिलेशन पे करना पड़ेगा आपको। आइए ये समझ लेते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको लौटाना पड़ेगा वो आपको कितना और क्या लौटाना पड़ेगा। इसमें आपको
जितना भी रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स आपके स्टॉक में है, यानी कि आपके भंडार में है, उसका तो आपको ITC वापस देना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको कैपिटल गुड्स के लिए भी जो आपने ITC का लाभ लिया था वो भी लौटाना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गुड्स के लिए जो लाभ लिया था वो गिनने में थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है, तो आइए उसे समझ लेते हैं। कितना वापस देना पड़ेगा ये तय करने के लिए हम अपनाएंगे एक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में दो चीजों को हम ध्यान में रखेंगे और उनमें से जो ज्यादा चीज आती है, जो मात्रा ज्यादा आती है, वो आपको लौटाना पड़ेगा। सबसे पहला, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था वो, और उससे कम करेंगे कुछ निर्धारित प्रतिशत, वो निर्धारित प्रतिशत जो कि सरकार समय समय से पब्लिश करती है। ये फॉर्मूले का पहला भाग था। फॉर्मूले का दूसरा भाग भी देख लेते हैं। फॉर्मूले के दूसरे भाग में हम ध्यान में रखेंगे टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू बोले तो मूल्य जो कि आपको उस कैपिटल एसेट को निपटाने से मिली थी, या तो बेचने से या तो उसको डिस्पोजल में डालने से। ये है फॉर्मूले का दूसरा भाग। इन दो मात्राओं में से जो भी मात्रा बड़ी निकलती है आपको वो मात्रा वापस सरकार को देनी पड़ेगी। चलो दोस्तों, इसे अब समझ लेते हैं एक उदाहरण की सहायता से। समझ लीजिए कि आपने कुछ कैपिटल गुड्स खरीदे थे जिनकी कीमत पहले की तारीख में थी ₹2,00,000, ये आपका परचेस कॉस्ट था। फिर समझ लीजिए कि आपने इनके ऊपर अप्रैल 2018 तक ₹36,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, यानी ये आपको लाभ मिला है। अब मान लीजिए कि किसी भी कारणवश अप्रैल 2020 में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और जो सरकार ने प्रतिशत निर्देशित किया है वो है 10% पर साल। और अब ये मान लीजिए कि जब आपने ये कैपिटल गुड्स बेचे तब आपको मिले ₹1,80,000। तो चलिए अब आकर ये देखते हैं कि आपको कितना ITC वापस देना पड़ेगा, ये समझ के कि आपके टैक्स की दर थी 18%। हमारे फॉर्मूले की ओर जाते हैं। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है ₹36,000, उसमें से हम कर कम कर लेंगे 10% 2 साल के लिए। याद रखिए ये जो प्रतिशत है 10%, ये सरकार ने घोषित किया था। तो ये हो गया पहला आंकड़ा। अब आते हैं फॉर्मूले के दूसरे आंकड़े की तरफ। यहाँ पे जो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू था वो हो जाएगा 18%, और वो हम गिनेंगे 1,80,000 के मूल्य पे। अभी हमारे पास दो आंकड़े आ जाएंगे। पहला आंकड़ा है ₹28,800 और दूसरा आंकड़ा है ₹32,400। इन दोनों में से जो बड़ी मात्रा है वो है दूसरी मात्रा, यानी कि ₹32,400, और इसका मतलब है कि आपको सरकार को लौटाने पड़ेंगे ₹32,400। ये आपका दायित्व है। तो दोस्तों, ये है परिणाम कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन के। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस चुकता करना पड़ेगा, आपको आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी भरना पड़ेगा, और आखिरकार आपको जिस दिन से रजिस्ट्रेशन रद्द होता है उस दिन पे एक फाइनल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। दोस्तों, कभी कभी ये भी होता है कि आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी कारण है जिसके वजह से वो कैंसिलेशन ही खुद रिवोक हो जाएगा, यानी कि वापस आपका GST रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने खुद से रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की मांग की है तो फिर आप फिर से दोबारा जाके उसके रिवोकेशन की मांग नहीं कर सकते। मतलब कि एक बार यदि आपने कैंसिलेशन करवा दिया तो फिर खेल खत्म, आपका GST रजिस्ट्रेशन अभी कैंसिल हो गया और इसके रेवोकेशन के कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यदि वो कैंसिलेशन GST के अफसर ने किया हो तो फिर ऐसे कुछ कारण है जहां पे वो अपना फैसला बदल के आपके रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन को रिवोक कर सकते हैं, मतलब कि आप फिर से GST में शामिल हो सकते हैं। तो आइए अब इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। समझ लीजिए कि आपके GST रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की नोटिस आ गई है, ये थी GST REG 16। फिर उसके बाद 30 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने उनसे
ये रिक्वेस्ट किया, आपने उनको बोला कि कृपया एक बार सोच लीजिए कि क्या आप मेरे कैंसिलेशन को रिवोक कर सकते हैं, ये आपको करना पड़ेगा जीएसटी आईजी 17 के साथ। उसके बाद वापस 30 वर्किंग डेज के बाद या तो जीएसटी के अफसर आपके इस रिक्वेस्ट के साथ संतुष्ट हो सकते हैं, यदि वो संतुष्ट हुए तो वे कैंसिलेशन को रिवोक कर सकते हैं जीएसटी आरईजी 18 को लेकर, या यदि वो संतुष्ट नहीं है तो फिर से दोबारा वो आपको एक शो कॉज नोटिस भेज सकते हैं जीएसटी आरईजी 19 के तहत। और इस परिस्थिति में ये सिलसिला और थोड़ा लंबा चलेगा, फिर आपको ये शो कॉज नोटिस जीएसटी आरईजी 19 मिला है तो आपको फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। अब आपके पास होंगे 30 वर्किंग डेज जिसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब जीएसटी अफसर के पास पहुंचा देने के बाद फिर वापस 30 वर्किंग डेज के अंदर वो फैसला लेंगे। यदि वो आपकी जानकारी से संतुष्ट है तो वो रिवोक कर सकते हैं कैंसिलेशन को जीएसटी आरईजी 18 के तहत, लेकिन अगर वो अभी संतुष्ट नहीं है तो फिर खेल खत्म, वो आपके रिवोकेशन की अर्जी को ही रिजेक्ट कर देंगे जीएसटी आरईजी 5 फॉर्म के जरिए। तो दोस्तों ये था रिवोकेशन प्रोसेस का विवरण। इसमें हमने और 3 फॉर्म्स देखे, हमने देखा कि जीएसटी आरईजी 17 के साथ आपके एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन को दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद जीएसटी के अफसर जीएसटी आरईजी 18 के जरिए आपके इस अर्जी को मंजूर कर सकते हैं, यानी कि आप जीएसटी प्रक्रिया में शामिल रहेंगे क्योंकि आपका कैंसिलेशन रिवोक हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि उन्हें और जानकारी वापस और भी जानकारी चाहिए होगी आपसे और वो आपको जीएसटी आरईजी 19 के जरिए भेजेंगे।